गुजरात के नर्मदा जिले में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसी अजूबे से कम नहीं है। 182 मीटर ऊंची पटेल की इस मूर्त को देखने भारी भीड़ उमड़ रही है। 31 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया था, जिसके बाद ये मूर्ति आम लोगों के लिए खोल दी गई। कयास लगाए जा रहे थे कि इस मूर्ति को देखने रोजाना 15,000 लोग उमड़ेंगे, लेकिन आज जो हुआ उसने सब कयास ध्वस्त कर डाले। बीते दो दिनों में इस गगनचुंबी भव्य प्रतिमा को 32,000 लोग देख चुके हैं। वही आज यानी 9 नवंबर को तो इस मूर्ति ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर डाले। आज इस मूर्ति को देखने इतनी भीड़ उमड़ी कि टिकट खिड़की बीच में ही बंद करनी पड़ गई। सरदार सरोवर निगम के एक अधिकारी के मुताबिक आज सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते कुछ घंटों में यहाँ 15,000 से भी ज्यादा दर्शक इकट्ठे हो गए। इतनी भीड़ के चलते टिकट खिड़की तक बंद करानी पड़ी और तो और पुलिस को भी तैनात करना पड़ा। इतने दर्शकों के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों का भी अब तक का रिकॉर्ड टूट गया। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के अलावा यहां पटेल म्यूजियम, वैली ऑफ फ्लावर और टेंट सिटी भी है। हर व्यक्ति टिकट के दाम 350 रुपए और बच्चों के लिए 200 रुपए की टिकट है। दीपावली की छुट्टियों के चलते यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत देश विदेश से पर्यटक पहुँच रहे हैं। दिन ब दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये मूर्ति गुजरात के लिए पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकती है।